فنؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. बुजुर्गान मोहतरम और बिरादरान अजीज, पिछले दो तीन महीनों में बहुत ही नागे होते रहे और मैं आपसे खिताब न कर सका क्योंकि इस सिलसिले में कुछ तो बीमारी के असबब भी पेश आया था, लेकिन ज्यादा बड़ा सबब असफार थे, सफर थे। और गैर मुल्की सफर थे, दूर दूर के और लंबे लंबे सफर थे। पिछले जुमा को भी तवील सफर से, यूरोप के सफर से 12 बजे घर पहुंचा था, जुमा की नमाज से जरा पहले। मुश्किल से जमात मिली थी। आमतौर से मेरा दिल चाहा करता है, मुफीद समझता हूं कि इस किस्म के सफरों से मुताल्लिक अपने कुछ तासुरात आप हजरात के सामने बयान करूं, क्योंकि ऐसे सफर खास तौर से गैर मुल्की सफर सबक आमोज होते हैं। बड़ा सबक होता है इनमें, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है आदमी को सफरों में, सबक लेने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है, मसाइल को जांचने का मौका मिलता है। और यह समझ, ये फैसला करना मुश्किल होता है कि कौन सी बात बयान करूं कौन सी ना करूं। कुछ मुतजाद तासुरात भी होते हैं। मसलन एक तासुर तो यह है, अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर हम शुक्र भी अदा करना चाहिए, जितना शुक्र मुमकिन हो करना चाहिए। मैं दुनिया में बहुत फिरा हूं, सिवाय ऑस्ट्रेलिया के सारे बर्रे आजमों के बड़े बड़े तमाम ममालिक में फिरा हूं। अमेरिका भी एक किनारे से दूसरे किनारे तक, और चाइना भी एक किनारे से दूसरे किनारे तक, जापान भी, जितने तरक्याफ्ता ममालिक हैं, यूरोप के जितने बड़े बड़े ममालिक हैं वो सारे, यूरोप अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक, इन सब में फिरा हूं। और चूंकि मुझे इन सफरों में मकसूद सैर सपाटा नहीं होता, बुलाते हैं लोग अब दीन की बातें करने के लिए, दीन की बातें सुनने के लिए, वहां इसलिए जाना होता है।
तो जो बात मुझे मैं कह रहा हूं कि शुक्र अदा करना चाहिए वो ये है कि इतने ममालिक देखने के बाद, दुनिया की सबसे ज्यादा तरक्की ममालिक देखने के बाद, शायद मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में नहीं है जिसमें इतनी नेमतें बयक वक्त अल्लाह ने जमा की हो। दुनिया के किसी मुल्क में मुझे इतनी नेमतें नहीं मिली कुदरती वसाइल तरक्की के जितने यहां मौजूद हैं। मुख्तलिफ जिहाद से लंबी तफसील है उसकी, और यह बात मैं सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत की बिना पर नहीं कहता कि मेरा वतन है, बिलाशुबा मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत क्या बल्कि इश्क है। हमने इसके लिए नारे लगाए थे हिंदुस्तान में बचपन में, लेके रहेंगे पाकिस्तान, देना पड़ेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, खून की नदियां बहाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे, अपना सर कटाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्लिम मुस्लिम, भाई भाई, ये नारे हमें बुजुर्गों ने सिखाए थे, जुलूस निकाला करते जुमा के बाद। बच्चा मुस्लिम लीग बना रखी थी कांग्रेस के मुकाबले में, दियोबंद में 600 बच्चे थे हम जिनका जुलूस निकलता था हर जुमा को, और अंग्रेजी दौरे हुकूमत था, अंग्रेज के हुकूमत के खिलाफ तहरीक चल रही थी आजादी की, और कांग्रेस ये चाहती थी कि पाकिस्तान न बने, सारे में हिंदुओं की अक्सरियत है, हुकूमत उनका इख्तदार हो। मुस्लिम लीग का नारा यह था और हमारे बुजुर्गों का कि पाकिस्तान बनना चाहिए, मुसलमान अलग कौम है, हमारे अक्सरियती इलाके हिंदुस्तान के जितने उसमें पाकिस्तान बनना चाहिए। तो इस ये नारे लगाए थे हमने, फिर हमारे हम मेरी उम्र 12 साल थी जब 12वें साल था जब पाकिस्तान बना है। दारुल उलूम देवबंद में मैंने कुरान करीम 15 पारे हिफ्ज कर लिए थे, तो मुझे सारे मनासिर वहां की याद हैं, तहरीक पाकिस्तान के बचपन की बातें याद भी ज्यादा होती। तो इस बिलाशुबा मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है, लेकिन यह बात जो मैं कह रहा हूं कि दुनिया में मुझे ऐसा मुल्क नहीं मिला जैसा पाकिस्तान है जिसमें इतनी नेमतें बेयकवत जमा हों, कुदरती वसाइल भी और तमाम नेमतें, मौसम, महल्ले वकू वगैरह वगैरह, जगराफियाई हालात वगैरह वगैरह, ऐसा मुझे दुनिया में कोई मुल्क नहीं मिला। यह तो होगा कि कुछ किसी मुल्क में कोई चीज ज्यादा है, हमारे पास वो ऐसी नहीं है, एक आध किसी दूसरे मुल्क में ऐसा होगा, लेकिन मजमूई तौर पर जितनी नेमतें अल्लाह ने पाकिस्तान को दी हैं दुनिया के किसी मुल्क में मुझे नहीं नजर आई कम अज कम। और मैं सिर्फ यह बात नहीं कि मैंने सरसरी तौर पर जायजा लिया है, मेरा मिजाज यह है कि मैं मुताला करता हूं, मुशाहदे करता हूं और मुनाजरा मुकाबला करता रहता हूं, मुवाजना करता रहता हूं, पाकिस्तान में यूं है, यहां भी यूं है। अब भी यूरोप गया हुआ था, वहां कई मुल्कों में जाना हुआ, जर्मनी और बेल्जियम और हॉलैंड, और उनसे तफरीही मुलाकातें भी, मजलिसें भी, बाजारों में जाना आना भी, जलसे भी और बयानात भी, मदरसे भी, मस्जिदें भी जाना हुआ। वहां भी मैं उनसे कहता था कि मुझे तो आप हजरात पर रहम आता है, वहां जो पाकिस्तानी लोग होते थे वो बुलाते थे, उनके साथ तकरीरें होती थी। मैंने कहा कि मुझे तो आप लोगों पर रहम आता है, आप परदेश में हैं और परदेश परदेश ही होता है, अल्लाह के फजल व करम से हम परदेश में नहीं हैं। मैंने कहा तुम्हें यहां तीसरे चौथे दर्जे की शहरी तुम तीसरे चौथे दर्जे के शहरी समझे जाते हो, यहां परदेशी हो, तीसरे चौथे दर्जे के शहरी हो, अगरचे तुम्हें वहां की नेशनलिटी भी मिल गई है, लेकिन लोगों का तुम्हारे साथ तर्ज अमल ऐसा नहीं जिस तरह पाकिस्तान में तुम्हारे साथ था, और जिस मशक्कत की जिंदगी तुम यहां गुजारते हो वो मशक्कत की जिंदगी पाकिस्तान वालों ने देखी ही नहीं। वहां छोटे छोटे मकानात हैं, कोई मकान जीने से खाली नहीं,
एक मकान तो बहुत अच्छे मालदार लोगों का देखा मैंने, और वहां रहे भी हम दो तीन दिन। खाना खाने के लिए कमरे में जाओ, ड्राइंग रूम और खाने का कमरा और दफ्तर वो मिट्टा खाने में है, नीचे जा उतरना पड़ता है। सोने के लिए ऊपर एक और जीना चढ़ना पड़ता है, वहां जाएं, और बैतुल खला जाना हो तो एक और जीना चढ़ना पड़ता है, वहां जाएं। अगर बावर्ची खाने में अगर औरतें जाएं तो वो फिर जीना चढ़ के जाती हैं, जीने ही जीने हैं। छोटी सी जगह में इतनी मंजिलें बनाकर गुजारा कर रहे हैं 20-25 साल से। फिर वहां मुलाजिम नहीं होते, यहां तो आप लोग और हम लोग मजे करते हैं, मासियां होती हैं, काम करने वालियां होती हैं, वहां कोई मासी नहीं मिलती, वहां कोई काम करने वाली नहीं मिलती। यहां हमारे यहां चपरासी होते हैं, मुखादिम होते हैं, चौकीदार होते हैं, ड्राइवर होते हैं मालदार लोगों के, वहां कोई ड्राइवर नहीं रखता मुलाजिम, खुद ही गाड़ी चलानी पड़ती है, खुद ही घर की सफाई करनी पड़ती है। कितना भी बड़ा मालदार हो, करोड़पति हो, उसकी बीवी पूरे घर की सफाई करती है, मियां बीवी मिलकर दोनों। गुसलखाना भी बैतुल खला भी वो खुद ही साफ करते हैं, वहां खाक रोब नहीं आता, वो धोबी भी खुद हैं, कपड़े अपने खुद ही धोते हैं। हर घर में मशीनें लगी हुई हैं गुसलखाने में, कपड़े खुद ही धोते हैं, निचोड़ते हैं, सुखाते हैं, इस्तरी करते हैं, सारे काम खुद करने पड़ते हैं। बावर्ची भी वो खुद हैं, गोश्त भी खुद ही बनाते हैं, सारे काम उनको करने पड़ते हैं। और मकान ऐसे हैं छोटे 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 छोटे, और कितना भी बड़ा घर हो, बड़े तो घर होते ही नहीं, जितने घर होते हैं बैतुल खला एक ही होता है, लाइन लगी रहती है बैतुल खला पर। ये वहां की जिंदगी है, मालदारों की जिंदगी है। और बाहर निकले तो बिलाशुबा अमनो अमान है वगैरह सब चीजें हैं, लेकिन चौथे दर्जे के तीसरे दर्जे के शहरी हैं, अपने वतन वाली बात नहीं है। तो बातें मैं कहा करता हूं कि तुम तो काबिल रहम हो, मुझे तो जो पाकिस्तानी भी यहां मिलते हैं उनको देखकर रहम आता। और ये बात मैं सब मुल्कों में कहता रहा हूं, सारे मुल्कों में कहता रहा हूं। अमरीका में एक कुछ नौजवान इंजीनियर थे, वहां मेरी उन्होंने दो तीन दिन के लिए उनके यहां भी, उनके शहर में भी जाना हुआ, उनके यहां क्याम हुआ, मुख्तलिफ शहरों में होता था वो, छोटे छोटे घर। तो जो ड्राइंग रूम है वही लाउंज भी है, वही डाइनिंग भी है, और वही मुलाकात का कमरा भी है, और छोटा सा है, बहुत छोटा सा, कि 7-8 आदमी मुश्किल से आ जाएं उसमें। बराबर में बावर्ची खाना है, और बीवी खाना पका पका कर वो रख देती है। अमरीकी तर्ज के जो बावर्ची खाने छोटे छोटे से होते हैं, वो मेज पर रख दिया उसने वहीं बावर्ची खाने के मेजों पर, और शोहर ने उठाकर यहां खाना खिला दिया। तो उनसे बेतकल्लुफ भी थी नौजवानों से, तो मैं उनसे पूछने लगा, भाई आप लोग यहां खुश हैं? कहने हां खुश हैं। मैंने कहा पाकिस्तान में ज्यादा खुश थे या ज्यादा खुश? बोले जहां ज्यादा पैसे मिले वहां खुश। मैंने कहा, कहने कि हमें यहां इतने लाख रुपए मिलते हैं। मैंने कहा रुपए नहीं बताओ तुम, लाखों में डॉलर बताओ कितने मिलते हैं। डॉलर उतने ही मिलते हैं जितने वहां की रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत है, इंसान कितने मिल जाते हैं, गुजारा कर लेते हैं बस। तो मैंने कहा कि पैसे मिलने की बात तो अलग है, लेकिन ये बतलाइए कि आपको राहत और खुशियां वहां ज्यादा थी यहां ज्यादा हैं? तो वो तो गोल कर गए। कहने लगे भाई जहां यहां पैसे ज्यादा मिलते हैं तो यहां खुश हैं। बीवी की आवाज आई पर्दे से कि ये सही बात नहीं बता रहे आपको, इनसे पूछे अगर 104 बुखार भी इनको हो जाए, कभी कोई पूछने आता है इनको? खुद ही ड्राइव करके गाड़ी लेकर जाएंगे तो इलाज करा सकेंगे, वरना कोई इनको ले जाने वाला नहीं, कोई डॉक्टर लाने वाला नहीं, किसी डॉक्टर को लाने वाला नहीं। इनसे पूछिए कि ईद के दिन, बकरीद के दिन कुछ पता चलता है कि ईद आई है या बकरीद आई है? वो कहने लगी कि बिल्कुल सही बात नहीं कर रहे, हम बिल्कुल खुश नहीं है यहां की जिंदगी में,
हमें आज मौका मिल जाए तो वापस चले जाएं पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान है, वहां भी बहुत सारे लोग यही बातें करते हैं। एक साहब थे कहते मैं 34 साल से यहां हूं, वो कह रहे थे कि अगर, और बहुत अच्छा कारोबार है उनका, बहुत अच्छा कारोबार है, और बहुत ही आला दर्जे की गाड़ी में मुझे वो बेल्जियम से हॉलैंड ले जा रहे थे हमें। तो वो कहने, मुझसे बातें चल रही थी, वो कहने लगे कि अगर मुझे दोपहर को ये मालूम हो कि मैं पाकिस्तान जा सकता हूं, मुस्तकिल माजा कर रहने का कुछ इंतजाम हो सकता है, तो मैं शाम तक का इंतजार नहीं करूंगा, जल्दी से जल्दी जाऊंगा पाकिस्तान। कहने लगे पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, हमने नाशुक्री कर रखी है, हमने शुक्र नहीं अदा किया पाकिस्तान का, अल्लाह ने जो नेमत हमको दी है। हर एक यूं समझता है कि बाहर चले जाओगे तो बारे के नियारे हो जाएंगे, वहां जाकर देखो वो कितनी मुसीबत की जिंदगी, मशक्कत की जिंदगी गुजारते हैं। हर मुल्क का यही हाल है, बर्तानिया में तो कुछ बेहतर हो गया है कि उन्होंने अपने माहौल बना दिया, बहुत पाकिस्तानी पहुंच गए, उनकी उनके खानदान के खानदान वहां आबाद हो गए, महल्ले भी मुसलमानों के हो गए, मस्जिदें भी बहुत बना ली, मदरसे भी बना लिए। तो वहां कई शहरों में तो जाकर ऐसा मालूम होता है कि हम पाकिस्तान ही में पहुंच गए। ये तो मुस्बत पहलू है पाकिस्तान का, जिसकी और उसकी कदर और कीमत पाकिस्तान की उसी को मालूम होती है, और उसी वक्त मालूम होती है जब दूसरे मुल्क में जाकर आता है, फिर पता चलता है कि पाकिस्तान क्या नेमत है। एक वाकया, नहीं पता नहीं कितने बाद लोग मुझसे, बड़े बड़े अफसरान जो आप पीआईए के अफसरान अफसर थे, वो मुझसे आकर बेताशा रो पड़े अमेरिका में कि मैं मुसीबत में गिरफ्तार हूं, मैं आगे मुझसे गलती हो गई, मैं यहां आ गया, जिसने अब मैं वापस भी नहीं जा सकता क्योंकि ओवर स्टे कर लिया, और फिर वापिस मेरे पास इतने पैसे नहीं कि वापिस जा सकूं, रिश्वतें दे देकर मैंने वीजा हासिल किया तो, और क्या क्या टिकट बनवाए थे, और कर्जे लेकर मैंने टिकट हासिल किया था कि वहां जाके मुझे रोजगार मिल जाएगा, मुझे तनख्वाह इतनी मिलती जितनी वहां मिलती थी, और अब घर वालों को भी खर्चा भेजता हूं, तो रो रहे थे बेचारे। गरज ये तो पाकिस्तान के बारे में मुस्बत बात है, दूसरी बात जरा दूसरा पहलू भी ले लीजिए, और वो ये कि मैं हर जगह तकरीरों में ये कहा करता हूं कि देखिए आप हजरात ने अपने आप को बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया है, अपनी नस्लों को, आप इस माहौल में यहां रह रहे हैं, माशाल्लाह आपने मस्जिदें भी बना ली हैं, नमाज रोजे की भी पाबंदी कर रहे हैं, लेकिन अपनी नस्लों को देखो, नस्लों का क्या होगा। जर्मनी में कोई मदरसा कायम नहीं किया जा सकता, दीनी मदरसा, बल्कि प्राइवेट स्कूल बना ही नहीं सकते कोई, तालीम जो कुछ है वो ये सेकुलर लामजहबी, और उसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है मुसलमानों का, गैर मुसलमों का, अपना मकतब नहीं बना सकते, मस्जिद में मकतब भी नहीं खोल सकते। अपनी अपनी नस्लों की फिक्र करो, इनका दीन और ईमान कैसे बचेगा। तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे यहां इस बच्चों को यहां छोड़कर, ये जवान होंगे इसी पले में, इसी माहौल में पले बढ़ेंगे, नमाजें भी छूट जाएंगी, इन इनकी फिक्र करो। तुमने यहां मस्जिदें बनाई हैं ईसाइयों के चर्च खरीद खरीद कर, वहां यही हो रहा है, तमाम मगरबी ममालिक में तकरीबन ये हो रहा है, अमेरिका समेत मुसलमान ईसाइयों के चर्च खरीद रहे हैं और मस्जिदें बना रहे हैं उनकी, उनके मस्जिद और मदरसे बन रहे हैं। चर्च क्यों खरीद रहे हैं? कि उनके आबा अजदाद ने ईसाइयों के मजहब के जज्बे से बहुत बड़े खर्चे कर करके बड़े बड़े चर्च बनाए थे, उनके औलाद में अब मजहब बाकी ना रहा, मजहब कोई भी मजहब बाकी ना रहा, नतीजा ये कि वो चर्च बंद पड़े हैं, तो अब वो उनको फरोख्त करते हैं, और यह मुसलमानों को आसान मौका मिल जाता है, बनी बनाई इमारतें निस्बतन सस्ती मिल जाती हैं, और वहां मस्जिदें बना रहे हैं, मदरसे बना रहे हैं, यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में, ये सब होता है। मैंने कहा कि इबरतनाक बात है, खुदा ना खास्ता अगर तुमने अपने इन बच्चों की नस्लों के दीन और ईमान की हिफाजत न की, तो ये मस्जिदें जो तुमने खून पसीने की कमाई से बनाई हैं, ये तुम्हारी औलाद इनको फरोख्त कर देगी, इन मस्जिदों को, इन मदरसों को भी फरोख्त कर देगी।
इनके दीन और ईमान की हिफाजत करो खुदा के लिए, इस्लामी स्कूल कायम करो। और अगर तुम अपने दीन और ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते तो आप लोगों के लिए यहां रहना जायज नहीं है, हिजरत करना फर्ज है आपके ऊपर। हिजरत मदीना जो हुई थी मक्का मुअज्जमा से इसी वजह से हुई थी। अगर ईमान और दीन और ईमान की हिफाजत कर सकते हो अपने बच्चों की तो ठीक है, जरूर रहो ताकि दीन और फैले यहां। लेकिन अगर खतरा है कि तुम अपने दीन और ईमान की अपने बच्चों के दीन और ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते तो खुदा के लिए तुम वापिस चले जाओ पाकिस्तान, अपने 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 वतन को चले जाओ, अपने दीन और ईमान तो बचाओ इनके नस्लों का। एक बड़े नेक आदमी तबलीगी जमात के बड़े फाल हैं हॉलैंड में, उनके आम ठहरे थे तो उन्होंने अपने दो बच्चों से तारुफ करवाया, देखकर मुझे पता ना चल सका कि ये मुसलमान है या ईसाई है। दोनों लड़के गैर शुदा शादी शुदा थे, हम नमाज जमात करते थे घर में, घर वो नमाज में शरीक नहीं होते थे और ये नमाज तकबीर वला के पाबंद थे, मस्जिद में जाते थे, मस्जिद बनाई है। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, ये नमाज क्यों नहीं पढ़ते, कि मैं सख्ती कर नहीं सकता और बस मैं एक दो मरतबा कहता हूं और मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई इनका ईमान कैसे बचेगा, कहने लगे मुझे खुद पता नहीं किस तरह बचेगा। तो एक बात तो मैं उनसे ये कहता हूं, दूसरी बात उनसे ये कहता हूं मैं कि देखिए आप लोग यहां गैर मुस्लिम ममालिक में आबाद हैं, अकलियत हैं, आप यहां इस्लाम के सफीर हैं, यहां के लोग इस्लाम के बारे में अगर कोई राय कायम करेंगे कि भाई इस्लाम अच्छा है या बुरा, वो कुरान पढ़कर तो बता नहीं सकते, कुरान तो नहीं पढ़ सकते, वो हदीस भी नहीं पढ़ सकते, दीनी किताबें भी नहीं पढ़ सकते, वो तो आपको देखकर बताएंगे कि इस्लाम अच्छा है या बुरा, आपके आमाल को देखकर, आपके अखलाक और किरदार को देखकर फैसला करेंगे कि इस्लाम सच्चा है, अच्छा मजहब है या बुरा। इस वास्ते आप हजरात पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि आप अपने अखलाक और किरदार को इस्लाम के मुताबिक करें, जैसे कि सहाबाए किराम का मामला था कि वो दूसरे मुल्कों में निकले, मालाबार, सिंगापुर, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग और थाईलैंड, ये सारे इलाकों में इस्लाम जो फैला है, न जिहाद हुआ है वहां, न वहां तबलीगी काफिले भी नहीं गए, वहां सहाबाए किराम या ताबईन या तबे ताबईन गए हैं और वहां जाकर कोई तिजारत के लिए गए, कुछ सियाहत के लिए गए हैं, लेकिन उनका अखलाक और किरदार, उनकी तिजारत, उनका ले मेल मेल जो लोगों के साथ ऐसा था कि लोग उन पर फरेबता हो जाते थे। वो किसी से बात करते थे नरमी से, मोहब्बत की बात करते थे, मुस्कुराकर बात करते थे, खैरखाही की बात करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, वादा खिलाफी नहीं करते थे, तिजारत में धोखाबाजी नहीं करते थे, तिजारत उनकी चलती थी, उनके बराबर वालों की तिजारत नहीं चलती थी क्योंकि वो झूठ भी बोलते थे। इस्लाम इस तरीके से फैला, मालाबार का तो बादशाह भी मुसलमान हो गया इसी वजह से, लंबी दास्तान है। तो मैंने कहा कि सहाबाए किराम के अमल को देख देख कर लोग मुशर्रफ इस्लाम हुए थे, कहीं तुम्हारा अमल देख देख कर लोग इस्लाम से मुतनफिर ना हो जाएं, और मुतनफिर होने के वाकयात भी मेरे सामने हैं, वहां बहुत सारे वाकयात हैं कि मुसलमानों के अमल को देखने की वजह से एक सीखने इंकार कर दिया। मैं मुझे अकायद आपने बहुत अच्छे बतलाए हैं इस्लाम के, सब सीखता वहां, एक लंबा वाकया है। तो मैं सारे अकायद को मानता हूं आपके, मैं बुत परस्ती नहीं करता, उससे सबसे तौबा करता हूं, लेकिन साथ में कहता हूं मुसलमान बनने के लिए तैयार नहीं हूं मैं। ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ लिया, कलिमा भी पढ़वा लिया मुझसे, लेकिन कहा कि मैं साफ कहता हूं मैं मुसलमान बनने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने कहा भाई क्या बात है, चलिए कि कोई रास्ता ऐसा बताइए कि मैं इस्लाम में तो दाखिल हो जाऊं मगर मुसलमान ना बनूं। इतना मुश्किल सवाल है जो जवाब भी नहीं देना आसान नहीं था। मैंने कहा परेशानी क्या है, कहा कि मैंने जो मुसलमान देखे हैं वो तो अच्छे नहीं होते। जर्मनी का वाकया, जर्मनी में हुआ ये वाकया, बहुत अरसे पहले की बात। तो ये एक अलमनाक सूरत हाल है कि हमारा, हमने उनसे कहा कि आप हजरात के अखलाक और किरदार का असर लोगों पर पड़ेगा, इस बात आप अपने अखलाक और किरदार को बेहतर करें। चुनाचे
यह बात भी अब हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इस मर्तबा जो मैं जर्मनी गया तो वहां मैंने लोगों में यह बात देखी कि वो वहां एक इजलास रखा गया वहां की यूनिवर्सिटियों में, जो हमारे पाकिस्तान के इंजीनियर साहिबान हैं, जेरे तरबियत हैं, जेरे ट्रेनिंग है, ऊंचे ऊंचे क्लासों में वो डिग्री ले रहे हैं, एमए कर चुके हैं, ऊपर ऊपर की तहकीक कर, उनके साथ एक इजलास था हमारा। उनमें भी तलब थी, तड़प थी और मसाइल बहुत पूछते थे, जो बात हम कहते थे बड़ी तवज्जो से सुनते थे। तो खैर, जब मैंने उनसे ये बात कही कि भाई आपका अखलाक और किरदार, तो उन्होंने एक बात कही जो सबक आमोज है, मुझसे कहने लगे कि बात यह है, आपसे एक मशवरा करना है। तन्हाई में मिला एक नौजवान मुझसे तकरीर के बाद कि हम यहां रहते हुए तो झूठ भी नहीं बोलते, वादा खिलाफी भी नहीं करते, काम चोरी भी नहीं करते, गंदगी भी नहीं फैलाते, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, शोर शराबा नहीं करते जैसे लोगों के नहीं तकलीफ हो, क्योंकि यहां का मिजाज ये है। हम अगर पाकिस्तान जाएंगे तो वहां सब काम करने पड़ेंगे, झूठ भी बोलना पड़ेगा क्योंकि वहां तो झूठ झूठ का मिजाज है, और काम चोरी भी होगी और वादा खिलाफी भी होगी, मुआहदों के खिलाफ वर्जी भी होगी, तिजारतों में गड़बड़ भी होगी, क्योंकि कब तक अपने आप को बचाएंगे वहां के माहौल से। तो आप हमें मशवरा दीजिए कि आप अपने दीन बचाने के लिए यहां रहें या पाकिस्तान जाएं। उसने मुझे ये ताना देने के लिए नहीं पूछा था, बल्कि वाकईतन उसने संजीदा होकर पूछा, क्योंकि वाकया ये है। दूसरा पहलू, तीसरा पहलू, वाकया ये है कि वहां कोई झूठ नहीं बोलता। जितने ममालिक मैं गया हूं, जितने गैर ममालिक मगरबी ममालिक में गया हूं, 25-30 साल के अंदर मुझे कोई झूठ बोलने वाला नहीं मिला। न ताजिर झूठ बोलता है, न मुलाजिम, न छोटा न बड़ा, न अफसर न मातहत, न हुकूमत के लोग न पुलिस के लोग, कोई झूठ नहीं बोलता। वादा खिलाफी कोई नहीं करता, काम चोरी कोई नहीं करता, ड्यूटी पूरी कर देते हैं, और कोई ड्यूटी ना दे तो उसको निकाल भी देते फौरन। तिजारत में कोई गड़बड़ नहीं करते। वहां किसी गाहक ताजिर पर इतना एतमाद करता है कि आप वाकई सुने शहद था या क्या वो मैंने मंगाया, तो मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा बाजार से ले आओ, वो ले आए। मैंने कहा भाई ये खालिस भी है? कहने की बिल्कुल खालिस है। मैंने कहा क्या पता कि ताजिर कह रहा, दुकानदार कह रहा था कि खालिस है। उसके बाद सबसे बड़ी दलील ये थी कि दुकानदार ने कहा है कि यह खालिस है, हालांकि लिखा हुआ भी होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, दुकानदार ने मुझसे कहा है, क्योंकि वो कहता है कि दुकानदार कभी झूठ नहीं बोलता यहां का। तो ये हालात ये भी हैं। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह है, बिला शुबा है, लेकिन हमारे अखलाक और किरदार का यह हाल है। अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान का शुक्र भी अदा करने की तौफीक अदा फरमाए, और पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी को जिस तरह का मुसलमान होना चाहिए ऐसा मुसलमान बनने की भी तौफीक अदा फरमाए। अब तो दुनिया भर में हम बदनाम हैं, पाकिस्तानी को देखकर समझते कि ये या तो चोरी करेगा या डाका डालेगा या टेररिस्ट होगा या कहीं ये दहशतगर्दी फैलाएगा जब कोई धोखा देकर जाएगा। अल्लाह ताला हमें इस सूरत हाल से निजात अता फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।